दोस्तों, पैर को दबाना चाहिए, फेफड़ों की छाती को टीबी दबाना में चाहिए, सबसे पानी भरा हुआ हो तो काली निकालना कार्व चाहिए, गुड़ दर्द क्रिया करने वाली औषधि है। दोनों हाथों से उसकी दोनों कोहनियों बहुत सोच समझ ऊपर कर की ओर भले इसे दोहराना चाहिए। बार बार ऊपर छोखा जिन देते लोगों की रहना, पुलुरुशीपी के बारे बात तपेकती हुई है कोहनियों को या मोड़ जिसको छाती पर रखकर जिसको ब्रोंकास्टिक के बाद अगर टीबी हुई हो, उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है। आँख के ऊपरी पलक पर सूजन आ जाए, 3-4 बजे लगभग रोग में वृद्धि हो, निमोनिया के बाद होने वाली तपेदिक में दाएं फेफड़े के मध्य भाग में जिसका आक्रमण हो, सुबह खांसी उठना, बिना प्रयत्न के अथवा थोड़ा सा ही खांसने पे कफ निकल जाना, कफ में रक्त की छींटे होना, गोल गोल थक्के जैसा थूक थूक निकलना, छाती तथा पीठ में सुई चुभने जैसा टीश उठना, पांव के तलवों का स्पर्श सहन न कर पाना, सर्दी में तथा पानी के बदलने पर और गर्मी में आराम मिलना, तो ये लक्षण हो तो काली कार्व इस पे अच्छा काम करती है।